अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है जो अल्लाह सुबहान तला ने मुझे और आपको दी अल्लाह सुबहान तला हमें इसकी कदर करने की तोफीक दे अल्लाह सुबहान तला हमें दीन पे साबित कदम रखे आज की नशिस्त बड़ी दिल पे भारी गुजरने वाली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी ويسر لي امري. وحلل الأقدة من لساني جفكه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهني في الدين اللهم اني اسالك علما نعفيا ورزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया जन्नत के सौ दर्जे हैं हर दर्जा इतना बुलंद वाला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला है सबसे बुलंद जन्नत और फिर दोस है जिसका दरमियानी या आला तरीन मकाम फिर दोस है अर्श इलाही फिर दोस पर है इससे जन्नत की नहरें फूटती हैं इसलिए तुम जब अल्लाह से मांगो तो दोस मांगा करो सुनन अभी मांजा, 4, 3, 3, बहुत दफा में ख्याल आता था कि मैं हर वक्त दोस मांगती रहती हूँ लेकिन मेरे आमाल तो ऐसे नहीं है अभी तक और हर वक्त कमियां कोहताइया अपने अंदर तो मुझे तो कूट कूट के नजर आती हैं लेकिन अल्लाह की जात सबसे बड़ी है सबसे बड़ी सबसे ज्यादा रहम करने वाली है और सबसे ज्यादा देने वाली है हर चीज़ पे कुदरत रखने वाली है उससे हम हम हर बंदे से हम उसकी हैसियत के मुताबिक मांगते हैं तो क्यों हम अल्लाह से कम मांगे हम क्यों ना अल्लाह से जनतुल्फरदस मांगे और जरूर मांगा करें हर वक्त मांगा करें क्या पता कोई कबूलियत की घड़ी हो और हमारे हक में ये दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह इस महफिल में तमाम लोग जो बैठे हुए हैं या हम सबको फिरदौस में जगह देना या अल्लाह हमारी नस्लों को हमारी औलादों को हमारे माँ बाप को हमारे जितने प्यारे गुजर चुके हैं या हम सबको जन्नत में इकट्ठा कर देना क्योंकि हकीकी ज़िंदगी तो वही जिंदगी होगी रफीक आला की जानिब यानी आप वसल्लम का सफ़र अल्लाह व तआला की जानिब जब रसुल्ला ने दीने कैम की तबलीग फरमा ली और उम्मत की खैर ख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आप सल्ला के आमाल से आपकी राहलत के आसार नुमाया होना शुरू हो गए यानी आपके दुनिया से जाने के आसार नुमाया होने शुरू हो गए थे आपने दसवें साल रमजान में बीस दिन का एहतिक फरमाया और हजरत जब्राहली सलाम ने आपको दो मरतबा कुरान का दौर कराया दौरा कुरान के लफ्ज से हम सब बहुत वाकिफ़ हैं और रमजान की आमद आमद पे दौरा कुरान शुरू हो जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर साल हर रमज़ान में जब्राहली कुरान का दौर करवाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले जब्राई सलाम ने दो मरतबा कुरान का दौर करवाया दौरा कुरान करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आपने अपनी साहबजादी फातमा रजील तु से फरमाया मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त करीब आ गया है बहुत दफ़ा जिंदगी में जब हमारा प्यारा कोई जाने वाला होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी होना शुरू हो जाती हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम कहते हैं हाँ उस वक्त पे उन्होंने ये कहा था उस वक्त ये बात हुई थी गैब का इल्म सिर्फ ताला को है लेकिन अल्लाह सुबहानो चीजों से ये वाजे करने शुरू कर देते हैं कि वक्त करीब हैजरत माजी तला को यमन रुखत किया तो उन्हें वसीयत करने के बाद फरमाया ए माजा इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे ये सुनकर हजरत मा'ज रजीला तआला अनहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि के गम जुदाई से रोने लगे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि ने हिज़तुल विदा में कई बार कहा गालिबन में तुम लोगों से इस साल के बाद ना मिल सकूंगा غالباً मैं इस साल के बाद हज ना कर सकूंगा आप सल्लाम को वही के जरिए मालूम हो चुका था कि आप इस साल नहीं रहेंगे और जब सुर नसर नाजिल हुई तब ये बात आप से ले वाले पे वाज हो गई और हर चीज के अख्ताम में बड़े बड़े इनाम मिलते हैं अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ को याद करें तो पूरा दौर गुजारने के बाद हमें एक मेट्रिक की डिग्री मिलती है या हम कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लें आखिर में इनाम मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त जिंदगी गुजारी तेईस साल सख्त मुश्किलों में गुजारे और आखिर में अल्लाह अल्लाबहान तला ने इनाम देने शुरू कर दिए और जब इनाम मिलना शुरू हो जाए तो जाने का वक्त करीब होता है ये आप सल अलाम को वही के जरिए बता दिया गया था इसी तरह अलमा अकमल तो का नजूल इस बात का पैगाम था कि आप दुनिया में अपनी मुहिम से फारग हो चुके हैं आप वाले दुनिया में क्यों आए थे आखिरी नबी बनकर आए थे नबूत का खात्मा करने आए थे हम सब के लिए कुरान मजीद का तोहफा लेकर आए थे ये थी आप सल्ह वसलम की मुहिम आज हम दुनिया में भेजे गए हैं हमारा मकसद क्या है हमारी मुहिम क्या है हम क्यों इस दुनिया में आए हैं ज्यादातर लोगों से अगर ये सवाल किया जाए तो वो कहते हैं हम पैसे कमाने के लिए आए हैं कुछ कहते हैं हम शादी करने के लिए आए हैं और आजकल कल नाइन्टी परसेंट लोग कहते हैं मुसलमान होते हुए कि हम फन करने के लिए आए हैं हालांकि हाला कुरान पाक में अल्लाह अल्लाबहान तला ने हमें बता दिया कि जिन और इंस को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया हमारा इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ अल्लाह सुबहानो इबादत है अल्लाह सुबहानो दीन को फैलाना है उस पर अमल करना है और अमल करवाना है उसकी किरने जहां जहां तक हमारी अप्रोच है वहां वहाँ फैला देनी है आज ये मुहिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की थी आज उसकी भारी जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा के कंधों पे मेरे और आपके कंधों पे आ गई है हम जिंदगी में हम दुनिया में फजूल नहीं भेजेंगे हम दुनिया में फन करने के लिए नहीं भेजेंगे हम दुनिया में सिर्फ ईट ड्रिंक एंड मैरी करने के लिए नहीं भेजेंगे बल्कि एक मुसलमान को अपनी जिंदगी का मकसद बहुत क्लियर पता होना चाहिए मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी हमारी नमाजें हमारी रोजे हमारी हर चीज हमारा दीन हमारा कुरान पढ़ना हमारा कुरान की तबलीग करना सिर्फ उस खुदा वाहिद की रजा के लिए है और हमें अपनी जिंदगी के मकासद को बड़ा बड़ा करके अपने लिए भी बहुत क्लियर कर देना चाहिए और अपने बच्चों के सामने भी बहुत क्लियर कर देना चाहिए आज जो मालो दौलत हमारे सर पर चढ़ के बोल रहा है आज जो फन की दुनिया हमारे सामने फितने की तरह खोल दी गई है खुदारा खुद भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए और क्लियरली उन्हें बताएं ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है इसी वजह से इस हज का नाम विदा रखा गया क्योंकि आप वसल्लम ने अपने रब सुबह की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा अवैल सफर हिजरी में आप पहुंच चीफ ले गए और शोहदा के लिए इस तरह दुआ की गोया जिंदों और मुर्दों से रुख्सत हो रहे हैं फिर वापस आके मंबर पर फरोकश हुए और फरमाया मैं तुम्हारा पेशरू हूँ और तुम पर गवाह हूँ वल्ला मैं इस वक्त अपना होश देख रहा हूँ मुझे जमीन के खजानों की कुंजियाँ दी गई हैं वल्ला मुझे तुमसे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बात शेयर करोगे बल्कि इस बात का अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे आप वाली वसल्लम का ये फरमान सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो आज अगर मैं नजर उठा के देखू अपने इर्द गिर्द देख लू तो एक दूसरे से आगे लगने की दौड़ ने हमें अंधा कर दिया है हमें दीन से दूर कर दिया है मैं सबसे प्यारी लगू मेरी स्किन बहुत शाइनी हो मेरे बाल बहुत उच्चे हों चाहे उसके लिए पूरा पूरा दिन ना मुझे नमाज की फिक्र ना मुझे कुरान की फिक्र मैं पढ़ाई में बहुत आगे हूं या मेरे बच्चे बहुत आगे हों हाँ पढ़ाई के लिए तो हम बच्चों को उठा सकते हैं उनको स्कूल जाने से छुट्टी नहीं करा सकते लेकिन फज्जर की नमाज के लिए उठाना नहीं नहीं वो बेचारे कैसे उठेंगे रात को भी देर से सोए थे आज हमने खुद अपने बच्चों के लिए दुनिया को प्रायोरिटी करके सामने रख दिया बेटा कोई बात नहीं कुरान तुम बेशक आराम आराम से पढ़ो लेकिन स्कूल का सबक तुम्हें वाह चुके और खातिमुल खातिम थे और जानते थे कि ऐसा होने वाला है वो क्या कह रहे हैं मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम लोग शिरक में पड़ जाओगे लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे अल्लाह अकबर कबीरा वो सब जानते थे अल्लाह सुबहानोता ने उनको आखिरी नबी बना के भेजा और ये सबूत है उन बातों के कि वो वाकई ही जानते थे आज हमारा मकसद क्या हो गया दीन पसे पुष्ट चला गया और आगे आ गई दुनिया अपने दिल में दीन की मोहब्बत को प्रायोरिटाइज कर मेरा सबसे ज्यादा वक्त मेरी सबसे ज्यादा मेहनत दीन के लिए लगेगी हाँ दुनियावी काम जरूर करें अपनी को जरूर पूरा करें लेकिन मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से और उसके दीन से माह सफर के आखिर में आप रात के वक्त बकी अरकत शरीफ ले गए और अहले बकी के लिए दुआए मफरत की और फरमाया हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं जब भी किसी कब्रिस्तान से मैं जब बचपन में एक स्कूल है एफ जी स्कूल और उसी के सामने कब्रिस्तान है मैं अपनी खुपो को लेने जाती थी वहां से तो मुझे ना बड़ा पराया पराया सा लगता था और बड़ा खौफ सा आता था कब्रिस्तान को देख के लेकिन विद टाइम विद एज रियलाइजेशन हुई तो वाकई अब जब भी कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो दिल में ये ख्याल होता है कि ये हमसे पहले चले गए हैं और हम कुछ अरसे बाद इनसे मिलने वाले हैं हमें अपनों की मौत का गम तोड़ देता है नढाल कर देता है पहली डेथ जो क्लोज मुझे याद है वो थी मेरे मामू की जब मैंने वो देखी तो मैं बहुत रोई और मैं बहुत डिप्रेस हुई और क्योंकि रियलाइजेशन थी मौत मौत हम करते हैं लेकिन रियलाइज आपको एक सर्टन टाइम पे होती है उसके बाद अभी बहुत करीब डेथ हुई है मेरी नानी मां की और उससे पहले हुई थी शहरबाजी की जब आपका अल्लाह से कनेक्शन बन जाता है फिर आपको उम्मीद होती है कि इस दुनिया से तो वो रुखसत हो गए हैं और ये भी पता होता है कि ये दुनिया आरजी है लेकिन इंशाल्लाह आगे जन्नत में अगली दुनिया में अल्लाह सुभान व तआला हम सबको इकट्ठा करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम वकी के लोगों कब्रस्तान से जब गुजरे तो क्या कह रहे हैं हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं माह सफर के आखिरी सोमवार के

आप इसके बावजूद बारी बारी तमाम अजवाज तयब के पास दिन गुजारते रहे यहाँ तक कि मर्ज सख्त हो गया इस वक्त आप हजरत मूना रजीला तला के घर में थे और पूछ रहे थे कि मैं कल कहाँ रहूंगा मैं कल कहाँ रहूंगा अल्लाह पूछ कौन रहा है नबी सल वसलम क्या वो क्लियरली नहीं कह सकते थे कि मैंने मेरा दिल कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे कहीं और रहना आप वसल्लम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे और हालत क्या है दर्द की शिद्दत से तड़प रहे हैं मर्ज तूल पकड़ गया है और ये नहीं कह रहे कि मैं हजरत आयशा रजीला तला के पास जाना चाहता हूँ कि कहीं मेरी अजवाज को बुरा ना लग जाए और क्या कह रहे हैं मैं कल कहाँ रहूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ और ह्यूमन काइंड हमें हर हर तरह पता चलता है बहुत से लोगों को हमने देखा है जो बहुत आला अलाब के मालिक होते हैं लेकिन तकलीफ के वक्त वो भी बिटर हो जाते हैं या ऐसी कोई बात कर देते हैं जो दिल दुखा देती है लेकिन आप सल्लल्लाहु ले अलैहि वसल्लम अभी भी सबके दिल का ख्याल रख रहे हैं और हुक्म नहीं दे रहे कि मुझे वहां रहना है बल्कि पूछ रहे हैं मैं कल कहाँ रहूंगा मकसूद हज़रत आयशा रजील तनो की वारी थी मुतरात ने इजाजत दे दी कि आप जहाँ चाहें रहें। चुनाचे आप हजरत फजल बिन अब्बास और हजरत अली बिन अबू तालिजी तहो के दरम्यान टेक लगाकर दोनों पाओ जमीन पर घसी हुए निकले और आयशा रजील तलाो के घर मुंतकिल हो गए हजरत आय रजील तन फरमाती हैं जब नबी मेरे सल तशरीफ लाए और बीमारी ने जोर पकड़ा तो आप सल्लाम ने फरमाया मुझ पर सात मशक्सें पानी डालो जिनका बंधन न खोला हो ना खोला गया हो ताकि मैं लोगों को वसीयत करूं चुनाचे हमने आपको हजरत हफ्तों के एक लगन में बिठाकर इन मशीजों से पानी डाला हती फरमाने लगे के तुम लोगों ने काम पूरा कर दिया फिर आप लोगों की जानब तशरीफ ले गए उन्हें नमाज पढ़ाई और खिताब फरमाया इतनी तकलीफ थी लेकिन नमाज पढ़ाने को नहीं छोड़ा और खिताब रसीयत करना नहीं छोड़ा आज तो हमारे सर में जरा सी दर्द हो या जरा सी तबीयत खराब हो हम कहते हैं भाई हमसे नहीं होता लेकिन आप सल अल्लाह वसलम सख्त तकलीफ में भी नमाज भी पढ़ा रहे हैं लोगों से खिताब भी फरमा रहे हैं इस खिताब में आप सलम ने मंदरजा ज़ेल बातों को फरमाया तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को मसाजिद बना लेते थे तुम लोग कब्रों को मसाजिद ना बनाओ मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ आज हम लोग किस गफलत में बैठे हुए हैं हमने कैसे बुजुर्गों की कब्रों को जियारत बना लिया हम कैसे लोगों की कब्रों पे जा जाके वहां पे दुआएं कर रहे हैं आप वसल्लम दुनिया से रुखसत होने वाले थे और उन्हें ये पता था कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शिरक में मुब्तला हो जाए और उनकी कब्र को मस्जिद बना लें उन्होंने जाते जाते क्लियर कर दिया कि मेरी कबर को मस्जिद ना बनाना अब एक सवाल उठता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मस्जिद नब्बी में है तो ये क्लियर कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हजरत आयशा रजी के हुजरे में हुई थी और मस्जिद नबी साथ ही थी अब एक्सटेंड कर करके आपका रोजा उसके अंदर कर दिया गया है लेकिन मस्जिद की जो जगह पहले दिन से वो वो ही है तो इससे अपने आप को कंफ्यूज ना करिएगा क्योंकि बहुत से काम बहुत से फितने फैलाने वाले लोग ये जवाब दे के मसाजिद में ज्यारतें करते हैं और कबरों को जो है वो मसाजिद बना देते हैं हमें आपलम ने सख्ती से इस बात से मना किया है और फरमाया यहूद नसारा पर अल्लाह की लानत उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया और हमने ये कहाँ से डिराइव कर लिया यहूद और नसारा से हजरत मूसा जब अपनी कौम के साथ जा रहे थे तो बनी इसराइल ने बछड़े को देखा कि एक कौम बछड़े की पूजा कर रही है तो कहने लगी कि हमारे लिए भी एक बछड़ा बना दें इसी तरह हमने देखा कि गजबे में जब गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा तो देखा एक दरख्त के इर्द गिर्द तो वो अपने वेपन हैंग करते हैं और वहां पर स्लॉटर करते हैं तो उन्होंने कहा हमारे लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम कर ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी अपनी कौम का मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस वक्त भी मना किया और जाते-जाते भी हमें ये पैगाम दिया कि हमने हरगिज ऐसा नहीं करना यहूद और नसारा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत कर रहे और हमने आज उन्हें क्या बना लिया है अपना फ्रेंड अपना आइडल जब हमारे आइडल्स जब हमारे फ्रेंड्स जब हमारे वो लोग जिनकी पे हम लुक अप टू करते हैं जब वो ही गलत होंगे तो हम कैसे उनकी गलत चीजों को डराइव नहीं करेंगे और ये सारा कुछ कहाँ से शुरू हुआ यहूद पर अल्लाह की लानत उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बनाया है फिर आप वसल्लम ने अपने आप को कसा ज्यादी के बदले के लिए पेश किया अनसार के मुतक खैर की वसीयत की यानी आप वसल्लम ने कहा किसी का मैंने कोई हक देना है किसी से मैंने कोई ज्यादती की है तो वो अभी ही मुझसे उसका बदला ले ले पूरा कर ले वसल्लम ने फरमाया एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और जेबो जीनत में जो चाहे ले ले कि के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले तो इस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है इसे अख्तियार किया अल्लाह आज अल्लाह ने हम सबको फ्री विल दी हुई है दुनिया हमारे सामने खड़ी भी है हमें बुलाती है हमें ललचाती है हमारा दिल भी करता है लेकिन आप सल्लाम ले क्या कह रहे हैं एक बंदे को अल्लाह सुबहान तला ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और जेबो जीनत में से जो चाहे ले ले अल्लाह के पास जो कच्छ है इसे इख्तियार कर ले इस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है इसे अख्तियार किया किसकी बात कर रहे थे अपनी ज़ात की अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तला फरमाते हैं ये सुनकर सईदना अबू बकर रजी अल्लाह तला रोने लगे और फरमाया हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान इस पर हमें ताजुब हुआ लोगों ने कहा इस बुढ़े को देखो रसूल सलम तो एक बंदे के बारे में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने इसे इख्तियार दिया कि दुनिया की चमक दमक और जेबो जीनत में से जो चाहे इसे अल्लाह दे दे या वो अल्लाह के पास जो कुछ है इसे इख्तियार कर ले और ये बुढ़्ढा कह रहा है कि हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान लेकिन चंद दिन बाद वाजे हो गया कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था

मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाजों को बंद करने का हुक्म दिया ये बुद्ध के रोज की बात है जो को आपकी बीमारी ने और शिदत इख्तियार कर ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो गए हजरत उम्मर रजी हाजरीन से कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफ का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान है अल्लाह की ये किताब तुम्हारे लिए काफी है इस पर लोगों में इख्तलाफ हो गया और जब शोर और इख्लाफ ज्यादा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास से उठ जाओ इसी दिन आपकी वसीयत की कि यहूद नसारा और मुशरिकीन को अरब से निकाल दिया जाए और वफूद को इसी तरह नवाजा जाए जैसे आप नवाजते थे और नमाज और गुलामों और लोंडियों के मुतल भी ताकीद फरमाई जाए आप वाले वाले देने वाले थे जाते जाते कह रहे हैं कि तो अरब से मुशीन को और नसारा को निकाल दिया जाए और वफूद को वैसे ही प्रोटोकॉल दिया जाए वैसे ही नवाजा जाए जैसे नवाजता था नमाज के बारे में गुलामों के बारे में और लोंडियों के बारे में ताकीद फरमाई और फरमाया मैं में दो चीजें छोड़ रहा हूँ कौन सी दो चीजें आई होप कि आपके दिमाग में फौरन आ गया होगा कुरान और सुन्नत मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूँ जब तक उन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह ना होगे किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत आज हमने तफरके में नहीं पढ़ना आज हमने फिर वारियत में नहीं पढ़ना दो चीजों को मजबूती से अगर हमने थाम लिया तो हम से राते मुस्तकीम पे रहेंगे और वो क्या है कुरान और आप वसल्लम की सुन्नत नबी अलैहि वसल्लम मर्ज की शिद्दत के बावजूद नमाज खुद पढ़ाया करते थे लेकिन इस दिन जुमेरात को जब ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो आपने लगन में गुसल फरमाया ताकि मर्ज में तकफीफ हो जाए। उठने लगे तो गोशी तारी हो गई अफाका हुआ तो दोबारा गुसल फरमाया लेकिन फिर उठने लगे तो दोबारा गशी तारी हो गई तीसरी बार गुसल फरमाया और उठने लगे तो फिर गशी तारी गई कितनी तकलीफ सही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर ताला अन्हों को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं चुनाचे इस वक्त से बकिया आयाम में हजरत अबू बकर रजी तहो ने नमाज पढ़ाई आपकी हयात मुबारका में इनकी पढ़ाई गई नमाजों की कुल तादाद सत्रह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट साइंस दे रहे थे कि आपके बाद हज़रत आप अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताली अनह जो थे वो खिलाफत संभाले कैसे पहले जब मस्जिद नबी के दरवाज़े बंद किए गए तो सिर्फ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्ल तु का दरवाज़ा खोल दिया गया उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ना पढ़ा सके तो आपने हज़रत अबू बकर सदीक रजी तनों को कहा कि नमाज़ पढ़ाएं हफ्ते या इतवार को रसूल सलम ने कुछ अफाका महसूस किया चुनाचे दो आदमियों के दरमियान जोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए इस वक्त इस वक्त हजरत अबू बकर ताला नमाज पढ़ा रहे थे। आपको इनके बाएं बैठा, बैठा दिया गया चुनाचे अब हजरत अबू बकर रसुल्लाम की इक्तदार कर रहे थे और लोग हजरत अबू बकर रहे थे कि वही लोगों को तकबीर सुना रहे थे इतवार के दिन नबी अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम आज़ाद कर दिए आपके पास सात दिनार थे उन्हें सदका कर दिया खुद पे इतनी शर्मिंदगी होती है इतनी शर्मिंदगी होती है कि आज माल और दौलत की हवस ने तो हमें अंदर ही कर दिया अल्लाह के रसूल है मक्का और मदीना के, के उस टाइम के बादशाह रहे हैं माजरीन और इंसार खड़े हैं वफूद तो अपने पास कुछ नहीं रखा आप की वफ़ात होने वाली है और उनके पास कुल अमाउंट क्या है सात दिनार और वो भी नहीं रखे कि मेरे बाद मेरी अजवाज का क्या होगा उनका क्या बनेगा उनका कौन ख्याल रखेगा उनको भी क्या कर दिया सद और आज हम दोनों हाथों से दुनिया जमा किए जा रहे किया जा रहे कोई चीज हो अल्लाह की राम खर्च नहीं कर रहे कि मेरे बच्चों के काम आ जाएगी और ये, ये तो टीचिंग नहीं है मेरे प्यारे रसूल की हथियार मुसलमानों को हिबा कर दिए रात तो आई तो हजरत रजीला तला ने अपना चराग एक औरक के पास भेजा और कहलाया कि अपनी कुप्पी से हमारे चराग में घी टिपका दो क्या मूल है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे हालत क्या है कि घर में तेल नहीं है कि चराग जले हजरत आयशा ने किसी औरत से कहा कि थोड़ा सा तेल डाल दें सात दिन थे ये भी नहीं सोचा कि इसका डलवा लें क्या कर दिए अल्लाह की राह में सदका और आज हम किस रविश पे चल रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा एक यहूदी के पास तीसा तकरीबन सिक्सटी सिक्स किलो जो के अवज रहन रखी हुई थी की सुबह अबू बकर नमाज़ पढ़ा रहे थे कि ने रजी ताला के का और लोगों की तरफ देख कर मुस्कुराए इस पर अबू बकर रजीलायों के बल पीछे हटे और समझा की आप सलम नमाज के लिए तशरीफ लाना चाहते हैं बकोल हजरत अंस रजील तला रसूल सलम को देखकर मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहा के आपकी मिजाज कुर्सी के लिए नमाज तोड़ दें लेकिन रसूल अल्लाह वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो फिर हजरे के अंदर तशरीफ ले गए और पर्दा घिरा दी हम लोगों में से जितने लोग हैं जिन्होंने अपने किसी भी प्यारे को तकलीफ में देखा है बीमारी में देखा है जब बहुत दिन तकलीफ के गुजर जाए तो वह बीमार शख्स अगर एक दिन कहे ना कि मैं बेहतर हूँ तो ऐसे खुशी की एक लहर आपके अंदर दौड़ जाती है और साहबा के राम जो आप वाले वाले पे अपनी जान पिदा करते थे जब आप सल अलाम को देखा और उनको मुस्कुराते हुए देखा तो कैसे खुश हो गए लेकिन उस वक्त भी आप सल्लाम ने क्या कहा अपनी नमाज पूरी करो इसी दिन या इसी हफ्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा फातमा तआला तनों को बुलाया और कुछ सरगोशी की वो रोने लगी फिर कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी हजरत आयशा तआला ने दरियाफ्त किया तो ये बात छुपा ले गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो बतलाया कि आपने पहली दफ़ा यह फरमाया था वो अपने इसी मर्ज से वफात पा जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे क्योंकि उन पर वही उतर चुकी थी और उन्हें मालूम था कि वो वफात पा जाएंगे इसलिए वो रोई, और दूसरी बार ये फरमाया मेरे अहलोल में सबसे पहले तुम मुझे से आ मिलोगी इसलिए वो हंसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बिशारत भी दी कि तुम सारी खातिन आलम की सैयदा सरदार हो उदय फातमा रजील तहों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर की शिद्दत देखी तो बेसाख्ता पुकार उठी हाय अब्बा जान की तकलीफ आप सल्ह वसलम ने फरमाया तेरे अब्बा को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी फिर आप सल्ला ने हजरत हसन और हुसैन रजी ताला को बुलाकर छूमा और रजवाजी मुहतरात को बुलाकर बाजो नसीहत की उधर लम्बा बल्बा तकलीफ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर भी जाहिर होना शुरू हो गया जो आपको खैबर में खिलाया गया चुनाचे आप इसके अलम की शिद्दत महसूस करने लगे आप अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी जब सांस फूलने लगता तो चेहरे से हटा देते इसी हालत में आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद नसारा पर अल्लाह की लानत उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाई इतनी तकलीफ है और बार बार एक ही जुमला फरमा रहे हैं कि यहूद और अनसार अंसार पर, पर अल्लाह की लानत उन्होंने अपनी अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बनाया हमें मना कर रहे थे कि हम ऐसा ना करें और हम आज उन्हीं कामों में मुलवि हो गए उमत मुसलिमा अपना रास्ता खो बैठी मजीद फरमाया सरजमीन अरब में दो दिन ना बाकी रहने दिए जाएंगे यानी के इस्लाम गालिब आएगा ये आखिरी इर्शाद और वसीहत थी जो आपने लोगों को फरमाई इसके बाद कई बार, बार फरमाया नमाज नमाज और तुम्हारे जेर दस्त यानी लोन् और गुलाम नमाज वो फर्ज है जिसका अबहान ने बार, बार हु दिया है और अगर आप इस पर गौर विक्र करें तो नमाज वाहिद वो चीज़ है जो हमें गलत कामों से गलत चीज़ों से रोकती है हर चीज में हमारा ही फायदा है नमाज नमाज और तुम्हारे जेरदस्त यानी लोंडो और गुलाम यानी उनके पे से साथ बहुत नरमी का मामला करो उनके साथ खैर ख्वाही करो फिर नजा की हालत शुरू हो गई और हज़रत आयशा रजी तू ने आपको अपने सीने से सीने और गले के दरम्यान सहारा देकर टेक लगी टेक लिया इसी दौरान में इनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर रजीलो आए इनके पास खजूर की शा, ताजा शाख की मसवाक थी रसूल मसवाक की तरफ देखने लगे हजरत आयशा समझ कि आप चाहते हैं उन्होंने पूछा तो आपने सर से इशारा किया और कहा हाँ चुनाचे उन्होंने मसवाक लेकर चबाई और नरम की फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लेकर नहायत अच्छी तरह मसवाक की आपके सामने कटोरे में पानी था आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पहुंचते जाते और फरमाते जाते अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं मौत के वक्त सख्तिया हैं आप लाओ वसल्लम की मौत के वक्त इतनी सख्ती है और हम कहा गाफिल होके बैठे हुए हैं कि जैसे हमने मरना ही नहीं मौत का वक्त मजाक का वक्त बहुत सख्त वक्त होता है अल्लाह सुबहानो तब को उस वक्त की आसानियाँ दे फिर आपने दोनों हाथ या उंगली उठाई निकाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों होटों पर कुछ हरकत हुई हजरत आयशर आयी कान लगाया तो आप फरमा रहे थे इन अम्बियान शहदा और सालीन के साथ जिन्होंने जिन्हें तूने इनाम से नवाजा या अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीक के आला में पहुंचा दे ए अल्लाह रफीक के आला अपनी बख्शिश की दुआ कौन मांग रहे हैं आप अलैहि वसल्लम तो आज हमें कितनी दफा सफार करना चाहिए हर वक्त अपनी बख्शिश की दुआएं करनी चाहिए वो जो तमाम गुनाहों से तमाम गलतियों से पाक थे वो जो अल्लाह व तआला के आखिरी नबी थे वो अपनी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं आखिरी फिक्रा तीन बार दोहराया और रूह परवाज कर गई हाथ झुक गया और आप रफीके आला से जा मिले

और बेहतर ना था जिसमें मदीने में तशरीफ लाए और कोई दिन इससे ज्यादा तारीख और फबीह ना था जिसमें आप वसल्लम ने वफात पाई सहाबा का राम रजील तो रो, रो कर इस तरह आहें भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो उधर हजरत उमर रजीलो खड़े होकर मस्जिद में फरमा रहे थे कि रसूल आला आला रहे इस तक वफात नहीं पाएंगे जब तक कि ताला मुनाफिकीन को फना ना कर ले और इस को कतल करने की धमकियाँ दे रहे थे जो ये कहे कि आप सल वसलम वफात पा गए सहाबा कर आम रजील तला के गर्द मस्जिद में हैरत और गम की तस्वीर बने मौजूद थे जब हजरत अबू बकर रजील तलाो ने सुबह को आप सल्लाम के मर्ज में कमी देखी तो सुखू में वाक अपने मकान पर चले गए उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर हुई तो अपने घोड़े पर सवार होकर आए और उतरकर कर मस्जिद नबी में दाखिल हुए लोगों से कोई बात ना की सीधे हजरत आयशा रजी तला के हजरे में गए और रसूल सल्लाम का कसरत फरमाया आपका जस्से मुबारक धारी दार यमनी चादर से ढका हुआ था उन्होंने चेहरा मुबारक खोला इसे छूमा और रोये। फिर फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं फरमाएगा जो मौत आप पर लिख दी गई वो आपको आ चुकी यानी आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जो तकलीफ आप पे आनी थी वो आ चुकी इसके बाद हजरबकर रजील तनों बिशरीफ लाए और कहा उमर बैठ जाओ मगर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया चुनाचन को छोड़कर हजरत बकर हजरत अबू बकर रजील तहो मंबर के पास हजरत अबू बकर रजी तहो मंबर के पास हज़रत बकर रजील तहो ने फरमाया इमरान की आयात तुम में से जो शख्स मोहम्मद सलम की पूजा करता है तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लम की मौत वाकई हो चुकी है और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है तो यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है कभी नहीं मरेगा अल्लाह का इर्शाद है मोहम्मद नहीं है मगर रसूल इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं तो क्या अगर इनकी मौत वाकई हो जाए या वो शहीद कर दिए जाए तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल पलट जाए तो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को अजर देगा हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तनों का अर्शाद है वल्ला ऐसे लगता था कि लोगों ने पहले जाना ही ना था कि अल्लाह ने इस आयत की इस ये आयत नाजिल की है यहाँ तक कि सईद नाबू बकर रजी अल्लाह तनो ने इसकी तिलावत की तो सारे लोगों ने इससे ये आयत अखज की और तब मैंने जिस इंसान को सुना तो वो इसी आयत की तिलावत कर रहा था हजरत मर रजी तला का अर्शाद है वल्ला मैंने जो ही हजरत बकरो को यह आय तिलावत करते हुए सुना तो जान गया कि ये बरहक है पस में टूट कर रह गया हती के मेरे पाव मुझे उठा ही नहीं रहे थे और मैं जमीन की तरफ लुढ़क गया और मैं जान गया कि वाकई नबी सल्ला वसलम की वफ़ात हो चुकी है रसूल की वफ़ात के बाद मसला के लिए आपका जान नशीन होली जानी के ज्यादा हकदार हैं क्योंकि वो नबी सीमी हैं चुनाचे वो और हजरत जुबैर हजरत जुबैर नेज बनु हाशिम के कुछ लोग रजील तनों के मकान में जमा हो गए जबकि इंसान ने अपने में से एक अमीर मुंतखब करने के लिए सकीफा बिन सादा में इज्तम किया बाकी महाजरीन हजरत अबू बकर और उमर रजील्ला तला के पीछे हो लिए अब देखिये खिलाफत के लिए चुनाव करना था हजरत अली समझ रहे थे कि वो चुने जाएंगे इसी तरह अंसार ने एक अमीर मुंतखब कर लिया और महाजरीन जो थे वो चाहते थे कि अबू बकर रजील तला और उमर रजील तनो में से किसी एक का इंतबाब किया जाएगा बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इस वक्त फितना फूट पड़ता और लड़ाई शुरू हो जाती हजरत अबू बकर और उमर रजी ताला अन्हो, सकीफा बिन सादा तशरीफ ले गए इनके साथ हजरत अबू उबैदा और दूसरे महाजरीन रजी तलाहो भी थे वहां महाजरीन और में बहस वुफ्तु हुई इंसार ने अपनी फजीलत और इस्तेहाक का जिक्र किया हजरत अबू बकर रजील तलाो ने फरमाया आप लोगों ने जिस खैर का जिक्र किया है आप लोग वाकई इसी के अहल हैं लेकिन अरब इस कारोबार हुकूमत को कुरैश के इस कबीले के सिवा किसी और के लिए नहीं जानते यानी वो कुरैश के सिवा किसी और की हुक्मरानी तस्लीम नहीं कर सकते वो अरब में नसब और घरानों दोनों लिहाज से अफजल है फिर उन्होंने हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा रजील तनों के हाथ पकड़े और फरमाया मैं आप लोगों के लिए इन दोनों में से किसी भी एक चीज को पसंद करता हूँ इस पर इंसार के एक आदमी ने कहा एक अमीर हम में से और एक अमीर आप लोगों में से इस पर बड़ा शोर हुआ आवाजें बुलंद हुई और इख्तलाफ का खतरा हो चला इसी वक्त हजरत उमर रजी हजरत अबू बकर ताला अन्हों से कहा हाथ फैलाइए अबू बकर ताला ने हाथ फैलाया और उमर रजील तलाो और महाजरीन और अंसार ने बैत कर ली हजरत अबू बकर रजील तनो के हाथ में बैत कर ली गई मंगल के रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े उतारे बगैर गुसल दिया गया देने वाले अफराद ये थे सयदना अब्बास सईदना अली सईदना अब्बास के दो फजल साहिब कसम और रसुल्ला के आजाद करदा गुलाम शुक्रान सईदना उसामा और ओस उस बिन खौला रजी तनहो हजरत अब्बास रजिया और इनके दोनों साहबजादे आप सल्लाम की करवट बदल रहे थे हज़रत उसामा और शिक्रान रजी तनो पानी बहा रहे थे और हजरत ओस रजील ने सीने पर टेक रखा था रसूल को पानी और बैरी के पत्तों से तीन बार गसल दिया गया यानी तीन बार उन पर पानी बहाया गया पानी गुरस नामी कुबा में वाक़ हजरत सात बिन खुसैम रजी तला के कुएं का था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने के लिए भी इसी कुएं का पानी इस्तेमाल फरमाया करते थे फिर आपको तीन सफेद सूती यमनी चादरों में कफनाया गया इन पर कुर्ता और पगड़ी ना थी बस आपको चादरों में लपेट दिया गया हजरत अबू तलहा रजीला तला ने इसी जगह रसुल्ला सल्ला वसलम की कबर खो दी जहां आपने वफाद पाई जो अंबिया का राम थे जहाँ पे भी वो वफात पाते थे उनको वहीं पे दफनाया जाता था और कहाँ पे उन्होंने वफात पाई थी हजरत आयशा रजी तला के हुजरे में कबर लहद वाली खोदी की लहद वाली होती है जिसमें साइड पे करके दफनाया जाता है फिर आपकी चारपाई कबर के किनारे रख दी गई दस दस सहाबा का राम रजी तला अनहो अंदर दाखिल होते और फर्दन फर्दन नमाज पढ़ते कोई इमाम ना होता सबसे पहले आप सल्लाम के ख़ान वादे यानी खानदान ने नमाज पढ़ी फिर महाजरीन ने फिर अंसार ने फिर बच्चों ने फिर औरतों ने या पहले औरतों ने फिर बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ने में मंगल का पूरा दिन और बुद्ध की बेशर रात गुजर गई इसके बाद रात के अविर में आप सल्लल्लाहु वाले वसलम का जस्ते मुबारक सुपुर खाक कर दिया गया मैं उम्मीद करती हूँ के इस सफर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए होंगे और ये सफर उस वक्त तक जारी है जब तक हमारी सांसें जारी हैं अल्लाह सुबहान दुआ है कि अल्लाह सुबहान हमें कुरान से आप सल वसलम की सुन्नतों से ऐसा जोड़ दे जैसे हमारी सांसें चल रही होती हैं कि अनकॉन्शियसली विदाउट थिंकिंग भी हम हर वक्त कुरान और सुन्नत को थामे रहें उन पे अमल पैरा रहें एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें एक दूसरे के माल का इज़्ज़त का आबरू का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये वो टीचिंग्स हैं जो आप वसल्लम ने हमें दी हैं अल्लाह सुबहान हमें तोीक़ दे कि हम हर किस्म की बिदत से हर किस्म की खुराफात से हर किस्म के फितने से महफूज रहें अबहाना हमारे लिए हमारे प्यारों के लिए तमाम लोगों के लिए तमाम उम्र मुस्लिम के लिए मौत के वक्त की सख्तियों को आसान करे अल्लाह सुबहान इज्जत की बापरदा मौत अता करे अल्लाह सुबहान वक्त अपने पास बुला ले जिस वक्त वो हमसे राज़ी हो अल्लाह सुबहान तला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे जैसे अल्लाह ने दुनिया में हमारे गुनाहों के पर्दे रखे हैं हमारी इज्जतों के पर्दे रखे हैं या अल्लाह आखरत में भी हमारी इज्जतों के पर्दे रखना या अल्लाह इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाना या अल्लाह ये बहुत छोटी कोशिश थी कि आप अलैहि वसल्लम को हम जान सकें या अल्लाह इसको कबूल फरमाना इसमें जो जो गलतियां को तहियाँ हुई उन्हें माफ फरमाना या अल्लाह हमारी पकड़ ना फरमाना याला हमारी पकड़ना फरमाना याला हम सबसे दीन का बेहतरीन काम ले लेना याला हमें पक्का सच्चा उमत मुहम्मदिया बनाना हमारे दिल में तेरी मोहब्बत इतनी हो कि वो तमाम मोहब्बतों पे गालिब हो और हम कुरान को और सुन्नत को बहुत मजबूती से थामे रखें या अल्लाह हमारे जितने प्यारे सुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना उन सबको फिरदौस में जगह फरमाना या अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा करना और मिला देना यासर में आप सल वसल्लम के हाथों से हमें जामे कोसर पीना नसीब करना या अल्लाह हमें ऐसा बनाना कि हम प्राउडली आप सल वसल्लम के सामने खड़े हो सकें या अल्लाह या गफ़ूर हमें दीन पे इसकामत देना या अल्लाह मरते दम तक मरते दम तक या अल्लाह हमारे से हमारे हाथों में कुरान की और सुन्नत को मजबूती से हमें थामने की तौफीक देना या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देना या अल्लाह जो दुआएं हम कर रहे हैं और जो नहीं कर सके उनको भी कबूल फरमाना या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामला फ़रमाना

آمين سوما آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاك الله على محمد